वेलकम बैक टू माई चैनल एंड योर पैशन फॉर फूड. आई एम योर फ्रेंड जसप्रीत. एंड गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस, हेल्दी एंड ईजी ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, और वो है टेस्टी बनाना पैनकेक्स. इसे बनाना बहुत ही आसान है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ. और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई फ्यूचर अपलोड. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम 2 बनानास को ग्राइंड करके उसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे. उसके बाद हम एक मिक्सिंग बोल में डालेंगे होल व्हीट फ्लावर 1 कप, गेहूं का आटा. उसके अंदर हम ऐड करेंगे फेनल सीड्स 1 टीस्पून एंड 1/2 टीस्पून ऑफ कार्डमम पाउडर. एंड साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे पाउडर्ड शुगर 4 टेबलस्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे बनाना का पेस्ट, और इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क, और इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसका एक पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेंगे स्मूथ. अच्छे से विस्क कर लेंगे इसको. देखिए, इस कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है हमें. तो चलिए अब हम चीला बनाते हैं इसका. चीला बनाने के लिए नॉनस्टिक तवे को गर्म कर लेंगे और उसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें बैटर को पोर करेंगे इस तरीके से, और इसे फैला के आप जिस भी साइज का बनाना चाहते हैं चीला और पैनकेक, आप उस साइज का बना सकते हैं. और अच्छे से इसे सिकने देंगे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे. जब ये एक तरफ से सिक जाए तो इसे पलट के दूसरी तरफ से भी हम अच्छे से सेक लेंगे गोल्डन मार्क्स आने तक. चीला बनकर तैयार है, इसे तवे से रिमूव कर लेंगे, और इसी तरह हम बाकी के चीले भी बना लेंगे. तो देखिए, ये बनाना चीला बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं. आप इसे बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं. आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी. आप इसे ज़रूर ट्राई करना, और अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना. मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ. टिल देन बाय बाय.